सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स कोमा वाई ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स वाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये हमारे चार क्वाड्रेंट की बात करी हमने। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सबको पता है, सबको पता है ना। लिखते चलो, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये बीच वाला पॉइंट, ओरिजिन, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो जीरो। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कोमा वाई के फॉर्म में लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, दिस इज जीरो जीरो, ओ से डिनोट करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन ओ जीरो जीरो। ऑन एक्स एक्सिस पर एक वैल्यू हमेशा जीरो होगी, वो क्या होगी, वाई। ऑन एक्स एक्सिस पर कहीं भी आ जाओ, ये वाला पॉइंट सपोज मैंने बोला ये टू है, एक्स की वैल्यू टू है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, थ्री जीरो, फाइव जीरो, सेवन जीरो। तो ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमेशा क्या लेंगे, एक्स कोमा जीरो। कभी आप बोलोगे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सपोज आपसे बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आप बोलोगे लेट द पॉइंट बी एक्स कोमा जीरो, क्योंकि वाई का वैल्यू जीरो। कभी भी हमें पॉइंट सपोज करना है एक्स एक्सिस पर, तो हम क्या लेंगे, एक्स कोमा जीरो। ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या जीरो होगा, एक्स, वाई एक्सिस पर क्या जीरो होगा, एक्स। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट लेंगे हम जीरो कोमा वन, पॉइंट जीरो कोमा वन, इस तरह से हम इसको पॉइंट सपोज करेंगे। लिखते चलिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट कभी भी सपोज करना है, कोई यार आपका वो नहीं है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज टेकन एज एक्स कोमा वाई। यदि आपको कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज करना है, तो हम क्या लेंगे, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। एक्स को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, एक्स को क्या बोलेंगे, एब्सिसा,
और वाई को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि एक्स कोमा वाई है तो वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो ये एक्स और वाई के पॉइंट को हम बोलेंगे। अब ये जितनी भी चीजें बताई है ना, ये सब चीजें काम में आएगी आपको। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना है तो एक्स कोमा 0, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना है तो 0 कोमा वाई। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है तो एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हटा दे, लिख लिया यहां तक खुशाली बेटा, लिख लिया क्या? यस सर। 6 3 9 लिख ले, लिख ले 6 3 9। नैतिक की तबीयत खराब है इसके अंदर शशि। बचा कौन है? 15 होने चाहिए। कंगना बची है, आ गया, और रूपल इसमें वो बाहर गई हुई। लिख लिया आप? लिखो फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स Distance between two points A x1 comma y1, A x1 comma y1 and B x2 comma y2 is given by under root of x2 minus x1 ka whole square प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। जल्दी से मैं इसका प्रूफ बता देता हूं कि यह आया कैसे। देखो देखो, ये ओरिजिन, सपोज ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, और ये पॉइंट क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। अब मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। ये ओरिजिन, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सबो ये पॉइंट एल है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट एम, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट आर है। यहां तक कोई दिक्कत?
अब बेटा एक चीज समझो, ये यहां ये डिस्टेंस, ये एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है यहां, एक्स वन, एक्स वन का मतलब है ये पॉइंट, ये डिस्टेंस क्या है एक्स वन, ओ से एल तक की डिस्टेंस क्या है एक्स वन। आगे आ जाना बेटा, दिक्कत आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ किसी को भी, क्योंकि तुम इधर ज्यादा बैठ गए, इधर आ सकते हो। ओ से एल तक की डिस्टेंस क्या है एक्स वन। अच्छा ओ से एम तक की डिस्टेंस क्या है एक्स टू। तो बेटा ये डिस्टेंस क्या बची, एक्स टू माइनस एक्स, बची कि नहीं बची? इसमें कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है इसमें, एक्स टू माइनस एक्स वन? नो सर, अब ये एक्स टू माइनस एक्स वन है तो बेटा ये भी तो एक्स टू माइनस एक्स वन ही होगी, ठीक है? ये एक्स टू माइनस एक्स वन होगी। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, वाई की कोऑर्डिनेट बताओ, और ये डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक की, ये वाई वन है तो ये भी क्या होगा? तो बेटा ये डिस्टेंस क्या बची, वाई टू माइनस वन बची। अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो मुझे पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है बेटा। तो पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो लिखो पी क्यू स्क्वायर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, समझ में आ गया प्रूफ? पी आर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। सो देयरफॉर पी क्यू आ गया आपका अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये इसका प्रूफ हो गया। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लिख लीजिए। और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे वो चीज समझना। बिल्कुल सिंपल सी बात करें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, माइनस थ्री कोमा टू एंड सेवन कोमा माइनस थ्री या माइनस सेवन कोमा माइनस फाइव, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मुझे निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स माइनस थ्री कोमा टू एंड माइनस सेवन कोमा माइनस फाइव। अब देखिए देखो, तो सबसे पहले ये पॉइंट ए मान लिया, सपोज कुछ भी मान लो माइनस थ्री कोमा टू, और ये बी मान लिया। नाउ डिस्टेंस ए बी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखना वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू की वैल्यू माइनस सेवन, माइनस वाई वन की वैल्यू, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस,
ये समझ में आया कैसे लिखा, माइनस सेवन माइनस और माइनस मिलके प्लस, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू ये माइनस और माइनस ये तो प्लस, प्लस माइनस फाइव माइनस क्या लिखा हुआ है टू का होल, ये आ गया माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का होल स्क्वायर। माइनस फोर का स्क्वायर क्या होता है 16, और माइनस सेवन का स्क्वायर रूट 65 यूनिट। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, रूट 65 यूनिट, रूट 65 यूनिट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत? और किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो देखिए। देखो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from A 2 comma minus 5 and B minus 2 comma 9, which is equidistant from A 2 comma minus 5 and B minus 2 comma 9। तो हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जो कि इक्विडिस्टेंट है ए और बी से। तो मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या मानेंगे, एक्स कॉमा जीरो, क्या मानेंगे एक्स कॉमा जीरो। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी एक्स कॉमा जीरो, मैंने ये पॉइंट पी मान लिया एक्स कॉमा जीरो। भाई हमने एक्स एक्सिस पर पॉइंट सपोज करना है तो हमने एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट सपोज किया, पी एक्स कोमा जीरो, ये हमने एक्स एक्सिस पर पॉइंट सपोज कर लिया। अब देखो इधर, ये पी एक्स कोमा जीरो, ये इस पॉइंट्स टू कोमा माइनस फाइव से और इस पॉइंट से माइनस टू कोमा नाइन से इक्विडिस्टेंट है। हाँ बेटा बोल। नहीं अब पी का डिस्टेंस ए और बी से सेम है, पी का डिस्टेंस ए से वही है जो पी का डिस्टेंस बी से, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, पी बी भाई पॉइंट पी का ए से जो डिस्टेंस है वही पॉइंट पी का बी से डिस्टेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी। अब पी ए कैसे निकालेंगे बेटा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट, कैसे बोलोगे बोलो, अनरूट यहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस माइनस दिस बोलो, सभी बोलेंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस प्लस, जीरो प्लस फाइव का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है? नो सर, अनरूट हो बोल क्या आएगा,
बेटा माइनस बीच का फोर एक्स प्लस का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस नाइन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये आ गया आपका पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए का वैल्यू पी बी के इक्वल आ गया। सर हाँ बेटा, सर ये x प्लस टू होगा या x माइनस टू होगा ये वाला? हाँ सर। बेटा x माइनस फॉर्मूले का और माइनस ये रहा, तो माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा बेटा? सर प्लस प्लस, सॉरी सर। हाँ तो x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस नाइन का होल स्क्वायर। ओके सर, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हो गया x माइनस टू का होल स्क्वायर और ये हो गया फाइव का स्क्वायर, इधर हो गया x प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस नाइन का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो भाई, x माइनस टू का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बोलो भाई क्या होगा x माइनस टू का होल स्क्वायर, x स्क्वायर, जोर से बोलिए यार, प्लस प्लस फोर प्लस 25 माइनस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 25। सिलेंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, और माइनस 9 का स्क्वायर 80। देखो x स्क्वायर प्लस 4 से x स्क्वायर प्लस 4 क्या हो गया, कैंसिल। x स्क्वायर प्लस 4 से x स्क्वायर प्लस 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आ गया देखो माइनस 4x वो प्लस 4x इधर आ गया 81 माइनस 25, ये कितना हो गया? तो x का वैल्यू क्या आ गया, सो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस इज माइनस 7.0। आया समझ में? कहीं पे भी दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है सभी को? यस यस सर। रूपल, नैतिक, हाँ सर, यस सर। चलो नेक्स्ट किसी को मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इसको x1 y1 मान रहे हो तो इसको x2 y2 मानोगे, और यदि इसको x1 y x2 y2 मान रहे हो तो इसको x1 y1 मानो, सेम है, किसी को भी मान सकते। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, आपका जो आपका अच्छा लग रहा है भाई। यदि मैं इसको इससे सेपरेट करता तो मेरे लिए वो थोड़ा लेंदी होता क्योंकि अननोन ये है, तो अननोन के लिए इसमें से इसको सेपरेट कर, ठीक है? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता x1 y1 किसको मान रहे हो, x2 y2। लेकिन ऐसे मत कर देना इसको x1 मान रहे हो और इसको x2 मान रहे हो, और इधर इसको x2 मान रहे हो और इसको y2 मान रहे हो और इसको y1, उल्टा मत मान। यदि x1 y1 पूरा इसको मान रहे हो तो x2 y2, ठीक है? लिखो भाई नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A 6.5
and b minus 4 comma 3. A 6 comma 5 and b minus 4 comma 3. Now let the point on y-axis be 0 comma y. P 0 comma y. Let the point on the y-axis be P 0 comma y. P 0 comma 1, A 6 comma 5, B minus 4 comma 3. Now P A equal to P B, equidistant. P A equal to P B, ठीक है? Now P A क्या होगा भाई अंडर रूट ऑफ एक मिली बोल कल्पना पी ए प्लस प्लस भी बोल का होल सो अभी पी बी जीरो माइनस जीरो प्लस फोर का होल बिल्कुल सही है ठीक है इसमें किसी को दिक्कत है बेटा अभी भी नो सर पक्का स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल तो ये आ गया माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर 36 रूपल वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर क्या होगा बोल बेटा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25y अरे माइनस 25y क्यों होगा बेटा माइनस 2a भी होता है तो माइनस 2 इंटू 5 10 इंटू y माइनस 10y क्या कर रही है बेटा हैं आया क्या समझ में यस चलिए 4 का स्क्वायर 16 किसान y माइनस 3 का होल स्क्वायर सिक्स वन y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल तो 36 प्लस 25 61 माइनस 10 y 25 माइनस 6 y माइनस 10 y प्लस 6 y इक्वल टू 25 माइनस 61 माइनस 4 y इक्वल टू माइनस 36 क्या आ गया बेटा y का वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 9 So the point on y axis be point अरे last में answer लिखेगी ना point on y axis be 0.9 so point on y axis be 0.9 कोई दिक्कत पक्का लिख लीजिए ओके बेटा लिख लो बेटा आज कनेक्ट करते हुए जाना है 40 मिनट्स होने के बाद फिर दोबारा कनेक्ट कर लो फिर दोबारा कनेक्ट कर लो तीन बार होगी तीन मीटिंग होगी आपकी भाई 40 40 40 तीन 120 मतलब दो घंटे ओके सर हाँ
बेटा देखो ये वाला चैप्टर पढ़ाने का रीजन क्या है, अभी बीच में वो तो चलता रहेगा, वो तो खत्म होने वाला है। ये वाला चैप्टर पढ़ाने का बीच में रीजन ये है कि ताकि इनका तुम्हारा कहीं पे भी किसी को दिक्कत नहीं आए, और बाकी तुम्हारा अब रिवीजन चालू हो जाएगा, तो ताकि क्या ये भी खत्म बस। अब इसके बाद भाई अब इस प्रैक्टिस अपन करते रहेंगे, तो ये वाला टॉपिक आज हो जाएगा अपने लगभग लगभग। हाँ छोटा, अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हट ही गया कोर्स से, बचा क्या है, सिर्फ एक सेक्शन फॉर्मूला ही तो बताना, फिर क्वेश्चंस करना बस। एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट जो, वो दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक काम करें, एक बोतल में पानी भर के दे दें। चलो एक काम करो, रुको पहले ये करो सेक्शनल फॉर्मूला, एक मिनट रुको रुको, दोबारा मीटिंग चालू होगी तब करेंगे इस पर, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रूव दैट, अरे ऐसा क्या कर रही, नाराज हो रही है क्यों, पेज फाड़ रही है, ऐसा क्या हो गया। देखो प्रूव डेट द पॉइंट्स, प्रूव डेट द पॉइंट्स -2.5, 0.1 एंड 2.-3 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। हमें ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करना है, कौन कौन से पॉइंट, -2.5, 0.1 एंड 2.-3 आर कोलिनियर। अब देखो जब भी कोई तीन पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने, कोलिनियर का मतलब समझते हो क्या, इसको नहीं पता, नहीं बता, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन, लाइज ऑन द सेम लाइन, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करना है। कोलिनियर का मतलब ये है बेटा, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। क्लियर है कोलिनियर का मतलब। अब पॉइंट, लेट पॉइंट्स आर, सबको नाम दे दो भाई, ए -2.5, बी 0.1, सी 2.-3। अच्छा तुम है ना ऑर्डर लिख के देना भाई, कैसे रिवाइज करवाना, मतलब तुम्हें कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ना है मुझे बताना जाके, तो भाई ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। अब तुम्हारे बचे एक तो पॉलीनोमियल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दोनों लड़ लो पहले, ठीक है, मुझे बता देना लड़के नहीं, लेंगे तो इन दोनों से, टीचर ले लो। चलो लीनियर, अरे सब हो जाएगा, चिंता क्यों कर रही, पॉलीनोमियल 7 दिन में हो जाएगा, उसके बाद लीनियर इक्वेशन कर लेंगे। ऐसा नहीं मैं उनको फेवर कर रहा हूँ, हाँ ये मैं समझ रहा हूँ। चलिए ए बी ए बी, भाई क्वाड्रेटिक तो आई नहीं रहा इस बार, क्वाड्रेटिक तो अगले टर्म में है, तो लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल और क्या करवाना, और एक फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वो तो इजी है, तो फिर और बचा क्या, और कोई बचा है तो बस हो जाएगा। ए बी अंडरूट, बोलो -2, ठीक है कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि जैसा भी, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स ही तो है,
ए बी मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे करो, ऐसे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं मुझे, अब आपकी जो इच्छा वो बोलो। मैं तो ऐसे करो, जीरो माइनस माइनस का होल स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत तो, जीरो प्लस टू का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा, और वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही है, इस वाले में कोलिनियर वाले केस में, जब भी कोलिनियर आएगा तो इसके अंदर से जो भी स्क्वायर रूट बाहर आ रहा है वो लेना पड़ेगा। जैसे 20 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, स्क्वायर एक 4 है और 4 बाहर आके कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, ए बी 2√5। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। तो ए बी आ गया आपका 2√5, ए बी इक्वल टू 2√5। नाउ बीसी तीनों निकालेंगे भाई, ए बी भी निकालेंगे, बीसी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे। बीसी अंडर रूट ऑफ 2 − 0 का होल स्क्वायर और −3 − 1 का होल स्क्वायर, तो अगेन 4 + 16 √20। √20 क्या था भाई, 2√5। ये हमारा ए बी बी सी आ गया। ए सी, ए सी बोलो क्या बोलोगे, 2 + 2 का होल स्क्वायर और −3 − 5 का। भाई इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ये जो लिखा? नो सर। तो 2 प्लस